रुक करते हैं इस वक्त की एक और बड़ी खबर का किश्तवाड़ से। किश्तवाड़ में दहशतगर्दों से मुठभेड़ जारी है। फौज और दहशतगर्दों के बीच फायरिंग देखी जा रही है। किश्तवाड़ जिले के सुंदूर जंगल में सुबह तड़के सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के बीच एनकाउंटर हुआ। अनंतनाग में हुई मुठभेड़ में अगले दिन ये मुठभेड़ हुई है। फिलहाल सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेर लिया है। दहशतगर्दों की तलाश की जा रही है। इलाके में एडिशनल फोर्सेज भेजे गए और दहशतगर्दों की तलाश के लिए ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। हम जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के बीच मुठभेड़ लगातार जारी है। किश्तवाड़ में दहशतगर्दों से मुठभेड़ जारी। फौज और दहशतगर्दों के बीच फायरिंग। किश्तवाड़ जिले के सुदूर जंगल में सुबह तड़के सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के बीच एनकाउंटर शुरू हुआ था। एक तरफ अनंतनाग में कल से ही एनकाउंटर जारी है और दूसरी तरफ दहशतगर्द किश्तवाड़ में भी डटे हुए हैं, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूरे इलाके को मुआवजे में ले लिया है और इन्हें ढेर करने की कवायद इस वक्त लगातार जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। किश्तवाड़ में दहशतगर्दों से मुठभेड़ जारी। फौज और दहशतगर्दों के बीच फायरिंग। किश्तवाड़ जिले के सुदूर जंगल में सुबह तड़के सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के बीच एनकाउंटर हुआ। अनंतनाग में हुई मुठभेड़ के अगले दिन ये मुठभेड़ हुई है। फिलहाल सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूरे इलाके को घेर लिया है। दहशतगर्दों की तलाश इस वक्त की जा रही है। इलाके में एडिशनल फोर्सेज भी भेजे गए हैं और दहशतगर्दों की तलाश के लिए ऑपरेशन तेजी के साथ अंजाम दिया जा रहा है। जो हाइड आउट्स हैं यहाँ उन्हें डिस्ट्रॉय किया जाएगा और इस बात का भी पता लगाया जाएगा कि मकामी मदद तो इन दहशतगर्दों को नहीं मिल रही, आखिर इन्हें पनाह लेने में मदद कौन कर रहा है। उन पर भी शिकंजा लगातार कसा जा रहा है। तो अहम जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। किश्तवाड़ में दहशतगर्दों से मुठभेड़ देखी जा रही है। एक तरफ अनंतनाग में सिक्योरिटी फोर्सेज डटी हुई हैं, पूरे इलाके को मुआसरे में लिया है। दूसरी तरफ किश्तवाड़ में भी दहशतगर्दों से मुठभेड़ जारी है। फौज और दहशतगर्दों के बीच फायरिंग जारी है। किश्तवाड़ जिले के सुदूर जंगल में सुबह तड़के सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के बीच एनकाउंटर हुआ। अहम जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के बीच एनकाउंटर देखा जा रहा है। राजा रैबर जमाल जुड़ गए इस वक्त हमारे नुमाइंदा, हमारे साथ ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। राजा, क्या जानकारी इस वक्त मिल पा रही है, मौजूदा सूरत हाल आपसे जानेंगे। फोर्सेस के बीच जो है जो ब्रीफ फायरिंग जो है वो देखी गई थी। इंफॉर्मेशन थी सिक्योरिटी फोर्सेस को कि यहाँ जो है तीन से चार दहशतगर्द जो है कश्मीर की तरफ जाने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। उनको घेरे में लिया हुआ है। पहले ही जब जून और जुलाई में जो यहाँ एनकाउंटर्स हुए हैं वहां से जो कुछ यहाँ से दहशतगर्द भागने में कामयाब हुए थे वो किश्तवाड़, क्योंकि सटा हुआ इलाका है, जंगलाती इलाका जो देसा के साथ सटा हुआ इलाका जो है किश्तवाड़ ही पड़ता है, और किश्तवाड़ की तरफ जो है उन्होंने भागने की कोशिश की थी। और उसके बाद से जो है सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूरे इलाके को जो है मुहासरे में लिया हुआ था और वहां जो है जगह जगह जो है सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे थे। लेकिन कल जो सिक्योरिटी फोर्सेज के पास एक इंफॉर्मेशन आई कि जो दहशतगर्द हैं वो यहां से भागकर जो है कश्मीर की तरफ जाने की जो है कोशिश कर रहे हैं और उनके सटे हुए इलाके और चिनाब को क्रॉस करके जो है पार जो है जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी पर जो है सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक सर्च ऑपरेशन वहां चलाया। नौवटा इलाका जो है ये बॉर्डर में पड़ता है, जहां जो चिनाब है उसको क्रॉस करके जो है पार की तरफ जाने की कोशिश में जो ये दहशतगर्द थे और उनको वहीं फायरिंग की वजह फायरिंग करके जो है उन्हें एक मुहासरे में लिया गया है। कहा जा रहा है कि तीन से चार दहशतगर्दों को जो है मुहासरे में ले लिया गया है। पूरी रीएनफोर्समेंट जो है वहां के लिए बुलाई गई है। इस वक्त भी जो है पूरे इलाके को जो है वो मुहासरे में लिया हुआ है और सिक्योरिटी फोर्सेज जो है लगातार इसी कोशिश में है कि उनको जो है जल्द से जल्द मार गिराया जाए। जी बिल्कुल राजा, और इसी वजह से देखा जा रहा है कितने दहशतगर्दों की मौजूदगी जो है यहाँ पर है, क्योंकि कहा जा रहा है कि इजाफी टुकड़ियां जो हैं उन्हें तैनात करने पर भी गौर खोज किया जा रहा है ताकि किसी तरह से भी ये दहशतगर्द बचकर निकल ना पाए। देखिए, तीन से चार जो दहशतगर्द है उनकी प्रेजेंस जो है इस इलाके में कही जा रही है, जो कि मुमकिन तौर पर जो छतरगला में इनकाउंटर हुआ था उसके बाद देसा और गुंदो में जो इनकाउंटर्स हुए थे वही दहशतगर्द जो है वहां की तरफ जो है रुख किया था। उन्होंने भागने में कामयाब हुए थे वो, और अब जो है कल रात को जो है उनके साथ जो सिक्योरिटी फोर्सेज का टाकरा हुआ है और उसके साथ ही अभी बड़े पैमाने पर जो है सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। मैं आपको बताता चलूं कि इसी एरिया से जो है इसी रोड से जो है वो मचेल यात्रा जो चल रही है वो भी उसी रास्ते जा रही है और उसको जो है फिलहाल के लिए जो है सस्पेंड कर दिया गया है और सिक्योरिटी जो है पूरे इलाके में जो है बढ़ा दी गई है। तमाम इलाके से जो है वो री एनफोर्समेंट जो है बुलाई गई है। सिक्योरिटी की मजीद टुकड़ियां जो है पूरे इलाके में मुहासरा किया हुआ है और पूरे इलाके को जो है अपनी तहवील में ले लिया है और बड़े पैमाने पर जो है सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि उन दहशतगर्दों को जो है जल्द से जल्द जो ढूंढ। राजा, अगर इलाके के हवाले से जानकारी चाहें किस तरह का इलाका है, केडेंस इलाका
है, किस तरह के चैलेंजेस इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने? देखिए, बहुत ही दुर्गम इलाका है, पहाड़ी क्षेत्र है, समुद्री सतह से जो है तकरीबन 10,000 फीट जो है ऊंचाई पर है, जिसकी वजह से सिक्योरिटी फोर्सेस को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बड़े घने जंगलात है, दुर्गम इलाका है, पैदल जो है वहां पहुंचना पड़ता है, और उन इलाकों तक पहुंचने के लिए जो है सिक्योरिटी फोर्सेज को काफी मुशक्कत का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। लेकिन बड़े ही कोऑर्डिनेटेड तरीके से जो है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो इस इलाके को मुहासरे में लिए हुए है, और बड़े ही टेक्निकल तरीके से जो है इनका जो है पीछा करके जो है इनको जो है पकड़ने की कोशिश और इनको मार गिराने की कोशिश जो है पूरे जोरों पर चल रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी जो है होप है उनको, पूरी मुतमईन है कि जल्द से जल्द जो है इनको ढूंढ लिया जाएगा और मौत के घाट जो है इनको उतार लिया जाएगा। और इनको जो इन्होंने जो कारनामे यहाँ किए हैं, जो बुजदलाना हरकतें यहाँ की है, जम्मू कश्मीर में एटमोसफियर को जो डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई है, उनके लिए जो है उन्हें जल्द से जल्द कैफरे किरदार तक जो है उनको पहुंचा दिया जाएगा। जी बिल्कुल राजा, और बेहद जरूरी हो जाता है, क्या कोई मुश्तबा नकलो हरकत यहां पर देखी गई है दहशतगर्दों की ओर से? किस तरह उन्होंने मौजूदगी दर्ज कराई कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने इस वक्त पूरे इलाके को मुहासरे में लिया है? देखिए, जब ये देसा और जो छत्रगला के इलाके हैं डोडा में, भद्रवा में, और इधर किश्तवाड़ जो डोडा के हायर रिचेज में जो पिछले जुलाई में जो एनकाउंटर हुआ था, जहां हमने कुछ अपने जवान भी खोए थे, वहां से जो है वो भागने में कामयाब हुए थे। और उसके साथ सटा हुआ इलाका अगर देखा जाए तो किश्तवाड़ की बाउंड्री पड़ती है। ये दहशतगर्द जो है उस वक्त किश्तवाड़ की तरफ जो है भागे थे, और उस वक्त से ही सिक्योरिटी फोर्सेज ने चप्पे चप्पे पर जो है सिक्योरिटी को टाइट कर दिया था। और कल देर रात जो है इनको एक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी फोर्सेस को आती है सोर्स की जानिब से कि यहां जो है कुछ मुश्तबा अफराद को जो है घूमते हुए देखा गया है, जो चिनाब को क्रॉस करने की जो है कोशिश कर रहे थे। उसी पर जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके को मुहासरे में लिया, और वहां जब वो कोशिश कर रहे थे शाम को, देर रात को जो है वो चिनाब को क्रॉस करके जो है पार की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे, उसी वक्त जो है उनके साथ वो टाकरा हुआ और उन्हें जो है रोक लिया गया है। उन्हें एक जगह पर जो है वो चारों ओर से जो है घेर लिया गया है, और जल्द जो है उन्हें मार गिराने की जो है वो खबर जो है सामने आ सकती है। बिल्कुल, और उम्मीद यही की जा रही है कि जल्द कामयाबी मिलेगी। बहुत शुक्रिया राजा, आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।